ऑक्सीजन की कमी से गर्भवती महिला की मौत, मजा हंगामा। मऊ जनपद के आशी नर्सिंग होम में डिलीवरी के दौरान एक महिला की मौत हो गई, जिसके बाद परिजनों ने अस्पताल में जंग का हंगामा किया। हंगामे की सूचना पर कोतवाली पुलिस आशी नर्सिंग होम पहुंचकर मरीजों को शांत कराया। परिजनों का कहना था कि उनकी मरीज को जब अस्पताल में डिलीवरी के लिए भर्ती कराया तो ऑक्सीजन की कमी वजह से उनकी मरीज की मौत हो गई। आपको बताते चलें कि सरायगंज थाना क्षेत्र के काजाकोट की रहने वाली मितेश आय की पत्नी पूजा राय को डिलीवरी के लिए जब आशी नर्सिंग होम में भर्ती कराया गया तो हॉस्पिटल के डॉक्टर ने उपचार के दौरान बताया कि हॉस्पिटल में ऑक्सीजन नहीं है, ऐसे में उनके मरीज की ऑक्सीजन नहीं मिलने की वजह से मौत हो गई है। वही डॉक्टर का कहना था कि हॉस्पिटल में डिलीवरी के लिए भर्ती पूजा की मौत हार्ट अटैक की वजह से हुई थी। फिलहाल घटना के संबंध में CMO द्वारा जाँच एवं रिपोर्ट आने के बाद जैसा सामने तथ्य आएगा उसके हिसाब से FIR दर्ज कर कार्रवाई की जाएगी। लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। मैं 4-5 महीने से परमानेंट इनके यहाँ दिखा रहा था। जब जब ये बुलाई 15 दिन 20 दिन की दवा दिया आता रहा, चलता रहा। 21 तारीख को मैं आया, उसके बाद बोली कि गले में नाल फंसा है, ठीक है। फिर इसे थोड़ी सी दिक्कत हुई तो मैं फिर 23 को लेके आया, ठीक है। तो 23 को बोली कि ऐसा है ना कि अब सब सही है, वही नरवा फंसा है, इसकी वजह से आप सोमवार को ऑपरेशन करा लो। मैं बोला ठीक है, मैं आज सुबह लेके आ गया, बोले कि शाम को ऑपरेशन होगा। और ये दिन भर पूरा सही थी, हमारे कमरे में 2-3 लोग और थे, सब लोग इंजॉय कर रहे थे, बात कर रहे थे, चलो 5 बजे से 1 घंटा लगता है ऑपरेशन में हो जाएगा। लेकिन ये जब लेके गई अंदर, फिर इनके 3-4 लोग नीचे दौड़ के आए, हम भी उनके पीछे पीछे दौड़ के आए। तो ये ऑक्सीजन जहाँ रखते हैं वहाँ पे गए, वहाँ ऑक्सीजन था ही नहीं, ठीक है। फिर मुझे 15 मिनट बाद इन्होंने बुलाया फाइनली कि देख लो इसको हार्ट अटैक आगे घबराने लगी है। तो जब ये घबरा रही थी तो ये गार्जियन को क्यों नहीं बुलाई? तो आपका कहना है कि हमारा यही कहना है कि कुसुम वर्मा ने हमारी पत्नी को और हमारे बच्चे को मार दिया है। तो क्या लगता है ऑक्सीजन की कमी से मौत हुई? हाँ, 100% ऑक्सीजन की कमी से। ये खुद कह रही है कि अभी देखिए मैं पेट भी नहीं भरी हूँ, न कोई सुई लगाई हूँ, न कोई दवा दी हूँ। प्रेग्नेंट ही है आपकी पत्नी? हाँ, प्रेग्नेंट थे। आइए 23 तारीख को बोली भी कि ऐसा है कि दिन भी पूरा हो गया है, आप करा लो। मैं बोला ठीक है। मतलब ऑक्सीजन यहाँ था ही नहीं, जिसकी कमी से? ऑक्सीजन नहीं था, ऑक्सीजन नहीं था। ठीक, पेशेंट पहला बच्चा था उसका, ऑपरेशन के लिए आई थी, क्योंकि टाइम ज़्यादा हो गया था और बच्चे का नाक गले में फंसा हुआ था। तो वो अपनी मर्जी से आए थे कि ऑपरेशन कराने के लिए तैयार थे। उन्होंने हमसे कहा सुबह आए कि हम 12 से 2 के बीच में ऑपरेशन कर दिए, मेरी शायद 12 से 2 के बीच में है, हमको मंडे का टाइम है, पंडित जी से पूछ लीजिए, आपका टाइम दूसरा देख लीजिए। तो 5 से 6 का टाइम था उनका। 5 बजे मरीज ओटी में गई, अभी कुछ किए नहीं थे, ऐसे ड्रिप स्टार्ट किया गया, कैथेटर लगाया गया, पेशेंट को सडनली सांस लेने में तकलीफ हुई, उसको ऑक्सीजन स्टार्ट किया गया, दवाइयाँ दी गई, लेकिन उसका ऑक्सीजन कंसंट्रेशन कम होता चला गया, थोड़ा इम्प्रूव किया लेकिन फिर कम होने लगा। ये सडन हार्ट अटैक का ही चांस था। जब हमने कोई मतलब बेहोश नहीं किया, मरीज को ऑपरेशन नहीं किया, तो पहले ही प्रॉब्लम आई, और कोशिश किए बहुत लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। वो आरोप लगा रहे हैं ऑक्सीजन की कमी के बाद। अब वो जैसे मान लीजिए ऑक्सीजन तो सिलेंडर रहता ही ओटी में, अब पेशेंट तो चल ही रहा था, बाहर ऑक्सीजन का जो था एक पाइपलाइन भी रहती है, इमरजेंसी में ओटी में भी ऑक्सीजन, आप देख लीजिए मैं सिलेंडर खड़े हुए तो अब वहाँ से फिर भाई हमने कहा बड़ी लाइन स्टार्ट करो जल्दी से, उस पर जो ऑक्सीजन चल रहा था। अब पेशेंट सीरियस है तो ऑक्सीजन की ज़्यादा जरूरत पड़ेगी ना, ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं थी। दूसरी तो कहा जा सकता है हार्ट अटैक से मौत हुई। आज नर्सिंग आशीष नर्सिंग होम में पूजा राय, वाइफ ऑफ मिथिलेश राय, सरा लखनसी के रहने वाली हैं, इनको डिलीवरी के लिए भर्ती किया गया था
जब 5 बजे इनको डिलीवरी के लिए बुलाया गया ओटी में, तो इनकी अचानक से तबीयत खराब हो गई और एक्सपायर कर गई, जिसमें परिवारजनों का आरोप है कि इसमें इलाज में लापरवाही बरती गई है। डॉक्टर साहब का कहना है इसमें हार्ट अटैक से इनकी मृत्यु हुई है। बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। पोस्टमार्टम की जैसी रिपोर्ट आएगी उस आधार पर मुकदमा पंजीकृत करके आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। परिजनों का ये भी आरोप है कि ऑक्सीजन खत्म हो गया था, और ये भी आरोप है कि लापरवाही बरती, तो उसकी जांच संबंधित विभाग सीएमओ साहब की तरफ से की जाएगी, और जैसा कि पोस्टमार्टम में जो रिपोर्ट आएगी उसके आधार पर आवश्यक FIR दर्ज कर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।